हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको हनीगन से विड्रॉल करके दिखाने वाला हूं। तो सिंपली मैं इसे हनीगन को ओपन कर लेता हूं, और जो लोग हनीगन के बारे में नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, उनको मैं बता दूं, हनीगन एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना रहता है, और ये हनीगन आपके डाटा को सेल करता है, यानी कि इंटरनेट डाटा को सेल करता है, और उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि हनीगन क्या है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर इस वीडियो के एंड में भी आ जाएगा, आप उसे देखकर जान सकते हैं कि हनीगन क्या है। तो सिंपली मेरे हनीगन में यहाँ पर $32 हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो मैं इसे विड्रॉल करके दिखाने वाला हूँ। हालांकि मैं हनीगन से दो बार पहले भी पेमेंट ले चुका हूँ। यहाँ पर मोर में जाकर हिस्ट्री में मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने 5 सितंबर को $33 विड्रॉल लिया था, 11 अप्रैल को $30 विड्रॉल लिया था। ये हनीगन का मेरा तीसरा पेमेंट होने वाला है फ्रेंड। तो सिंपली यहाँ पर रिक्वेस्ट पेवर्ड का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। अगर आपके भी हनीगन में $20 कंप्लीट हो गए हैं, तो वहाँ से आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनीगन से आप दो तरह से विड्रॉल ले सकते हैं, पहला है पेपाल और दूसरा है JMPT। अगर आपका पेपाल में अकाउंट है तो पेपाल से ले सकते हैं, और अगर JMPT से अकाउंट है तो वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो मेरे पास पेपाल का अकाउंट है फ्रेंड्स। हालांकि पेपाल से पेमेंट लेते हैं तो आपको 15% का फीस लगेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर JMPT से लेते हैं तो आपको कोई भी फी नहीं लगेगा, यानी कि आपका जो भी हनीगन में पैसे पड़े हुए हैं तो वो टोटल आपके पैसे मिल जाएंगे। तो सिंपली मैं पेपाल से ही पेमेंट ले लेता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी दो बार पेपाल से ही पेमेंट लिया हुआ है। JMT का भी प्रोसेस मुझे भी नहीं पता है, तो मैं पेपाल में क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पर रिक्वेस्ट पे आउट का फिर से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर दिखा रहा है, आर यू रेडी टू कलेक्ट योर अर्निंग्स $32, इट यूजली टैक्स अप टू 48 आवर्स टू प्रोसेस पे आउट रिक्वेस्ट, सो प्लीज़ बी पेशेंस। यानी कि इनका कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 48 घंटे तक लग सकते हैं ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाने के लिए। तो मैं इसे कन्फर्म कर देता हूँ रिक्वेस्ट पे आउट पर, और यहाँ पर सिक्योरिटी चेक बिफोर कंटिन्यू, वी हैव सेंड वेरीफिकेशन कोड टू योर ईमेल इनबॉक्स, प्लीज़ इंटर द कोड बॉक्स। यानी कि मेरे ईमेल में कुछ कोड आया हुआ होगा फ्रेंड्स, उसको मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हनीगन की तरफ से वेरीफिकेशन कोड आया हुआ है, मैं इसे ओपन करके कॉपी कर लेता हूँ और इसमें क्लिक कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद सबमिट कोड में क्लिक करेंगे। हनीगन से ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो अगर आप हनीगन से फर्स्ट बार पेमेंट लेंगे तो आपको कुछ कुछ और डिटेल फिल करना होगा, लेकिन मैंने पहले ही दो बार पेमेंट ले चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन फिल करने का ऑप्शन नहीं आया। अब सिंपली यहाँ पर मैं ओके में क्लिक कर दूँगा। अब मेरे पेपाल अकाउंट में दो दिन के अंदर मेरे ये जो $32 थे वो पैसे आ जाएंगे, और फिर पेपाल अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी पैसा मेरा शो हो रहा था वो फिर से मेरे ज़ीरो हो चुके हैं, और फिर से जब मेरा $20 तक कंप्लीट हो जाएगा तो पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री में दिखा देता हूँ, उस समय दो बार दिखा रहा था, अभी तीन बार दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। मोर में क्लिक करने के बाद ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि रिसेंट पे आउट में यहाँ पर अभी रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, यानी कि अभी मैंने रिक्वेस्ट किया है इसलिए, और ये दोनों में कंप्लीट दिखा रहा है कंप्लीट, क्योंकि इसका पैसा मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो बस आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए। जय हिंद।